कौन कहता है कि संसद सिर्फ दिल्ली में ही है। जी हाँ, संविधान दिवस के अवसर पर आज राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या में बाल संसद का गठन किया गया। विद्यालय के सभी बच्चों, शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से बाल संसद के सदस्यों के रूप में मनोनयन किया गया। फिर इनके बीच विभागों का बंटवारा कर मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के रूप में चांदनी खातून तो उप प्रधानमंत्री के रूप में राजा बाबू को चुना गया। वहीं शिक्षा मंत्री के रूप में बेबी कुमारी तथा उप शिक्षा मंत्री के रूप में ऋषुराज का चयन किया गया। सफाई मंत्री नीरज कुमार तो उप सफाई मंत्री मुन नी कुमारी बनी। खेल मंत्री नितिराज वहीं उप खेल मंत्री रंजू कुमारी को बनाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री लक्ष्मी कुमारी, उप सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रताप कुमार बने। स्वास्थ्य मंत्री वर्षा कुमारी, उप स्वास्थ्य मंत्री चंदन कुमार, कला संस्कृति मंत्री साक्षी कुमारी, उप कला संस्कृति मंत्री रिजवान आलम बनाए गए। मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद सभी माननीय मंत्रियों को वार्ड पार्षद रोशन कुमार द्वारा उनके कर्तव्यों को बोध कराया गया। टीईटीएसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के महासचिव ओम प्रकाश सिंह के संचालन में वरीय बीआरपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रपति की भूमिका में सभी मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। संयुक्त रूप से माननीय मंत्रीगण को प्रमाण पत्र देकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक वासुदेव राम ने गुलाल लगाकर सफल संसदीय जीवन हेतु शुभकामनाएं दी। अंत में संविधान के प्रस्तावना का पाठ कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर दिनेश यादव, सुरेश कुमार, स्वामी चरण, गायत्री कुमारी, रामनारायण प्रसाद, अमन कुमार, अवध पटेल, औरंगजेब खां, विनोद कुमार, बिंदु कुमारी, रीना देवी आदि उपस्थित थे।